हेलो एवरीवन, मैं डेविल यादव, आप सभी का स्वागत करता हूँ आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, हम आज बात करने वाले हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मिड टर्म एग्जाम के बारे में। तो फ्रेंड्स, मिड टर्म एग्जाम आने वाले हैं, तो फ्रेंड्स हो सकता है कि किसी के पेपर सब्जेक्टिव हों, या फिर सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव हों, या फिर सिर्फ ऑब्जेक्टिव हों। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि हम उस पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, और जो क्वेश्चन है वो उसका सैंपल हमें कहाँ से मिल सकता है, या फिर क्या करें जिससे मेरे अच्छे मार्क्स आएं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपका पूरा फुल पेपर है वो सब्जेक्टिव है, तो फ्रेंड्स आपको जो टीचर ने पीपीटी दिया होगा और या फिर कुछ बुक्स की हेल्प से आप जब पढ़ाई करोगे, तो आपके माइंड में ये लॉन्ग आंसर, जैसे आपको पता है कि सब्जेक्टिव है तो लॉन्ग क्वेश्चन ही बनने वाले हैं, तो आपको लगता है कि अच्छा ये क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, यानी ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में बन सकता है इतना सारा आंसर लिखने के लिए। तो आप उस क्वेश्चन को अपने माइंड में या फिर किसी कॉपी में लिख लोगे और उसके बाद आप उसका आंसर दोगे। आपको ऐसा आंसर देना, ऐसा नहीं कि आप पूरा कॉपी में लिखे जा रहे हो और उसका आंसर एक क्वेश्चन में पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, नहीं। आप उस क्वेश्चन को जैसे पढ़ तो लिया ही है, तो आप रफ में जैसे कुछ की पॉइंट्स लिखोगे जिससे आपको लगे कि हाँ आपको उसका आंसर पता है कि नहीं। आपको आंसर्स लिखते समय ध्यान रखना है कि आप कहीं से भी कोई भी हेल्प नहीं ले रहे हो, खुद से लिख रहे हो। अगर आपको आंसर लिखने में दिक्कत हो रही है तो फ्रेंड्स आप उस चीज़ को रिपीट करो, यानी फिर से पढ़ो और फिर आप आंसर्स की पॉइंट्स में लिखो, तो आपको यहाँ से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, खास करके सब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि अगर आपका पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव है तो आपको क्या करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव है तो आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, ऑब्जेक्टिव जैसे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेने हैं और उस पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेने हैं। और क्या आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ के और न्यूमेरिकल सॉल्व करके एग्जाम देने चले जाओगे? नहीं, आपको एग्जाम देने नहीं जाना है। जैसे कि मैं कुछ वेबसाइट्स के नाम बताने जा रहा हूँ, जैसे सैन फाउंड्री हो गया, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए गिग्स फॉर गिग्स भी है, इंडिया गिग्स है, और इसके अलावा भी कुछ वेबसाइट्स हैं जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को दे दूंगा, तो आप उस पर एक बार विजिट कर लेना। लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो मैथ्स करते हैं लवली के, वो सैन फाउंड्री से करते हैं, और सबसे ज़्यादा वैल्यू भी सैन फाउंड्री को ही दिया जाता है। तो आप सैन फाउंड्री वेबसाइट पर एक बार विजिट कर लेना, और एग्ज़ाम देने से पहले जैसे 2 घंटा 4 घंटा जब भी आपने, जैसे आपका सुबह 8 बजे से एग्ज़ाम, 9 बजे से एग्ज़ाम है, तो आप क्या करोगे कि 6 बजे तक 5 बजे तक जो आपका सब्जेक्ट है वो पढ़ लेना है, पूरा अच्छे से अपने जो पढ़ना है पढ़ लेना है। उसके बाद आपका जो बचा हुआ टाइम है उसमें आप थोड़ा सा रिवीजन करोगे, और लास्ट के जो 2 आवर्स है उसमें आप जो सैन फाउंड्री वेबसाइट है या फिर कुछ और भी वेबसाइट हो सकते हैं, या तो फिर आप क्या करेंगे जिसपे आपको MCQ चाहिए, तो MCQ ऑन अपना जो सब्जेक्ट है उसका नाम डाल देंगे, तो वहां से आप MCQs को विजिट करके जाएंगे। पूरा MCQs आपको याद तो करना नहीं है, जस्ट आप स्क्रॉल करेंगे, आंसर देखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करके आपको आंसर्स देखते जाना है। इससे होगा क्या कि आप लास्ट टाइम में पढ़े रहोगे तो जो आप उस टाइम देखे रहते हो उसका आंसर्स आपको याद रहता है। तो अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां से आते हैं, तो आप यहां से 5-7 नंबर आराम से गेन कर सकते हो, वो भी बिना कंफ्यूजन के। एक्चुअली होता क्या है कि ऑब्जेक्टिव पेपर में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, तो 20-30% नंबर हम सिर्फ उस वेबसाइट को विजिट करके पा जा रहे हैं, जो हमारा लगभग पासिंग मार्क्स भी हो सकता है। इसलिए आपको वैसे नहीं जाना, आपको एक बार वेबसाइट जो है विजिट करके जानी। अच्छा, अगर सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव होगा तो आप इन दोनों को अप्रोच मिला के करोगे, यानी आप थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी सॉल्व करोगे और आप वेबसाइट को भी विजिट करके जाओगे। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं एलबीयू का सैंपल पेपर कहाँ से मिलेगा। तो फ्रेंड्स, एलबीयू का जो सैंपल पेपर है वो आपको मिलेगा, आपके मोबाइल पे ही मिलेगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, पर आपको कुछ देर पे आपको व्हाट्सएप चेक करने रहता है। ये जो है ग्रुप में कहाँ से आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, ये इसका पता किसी को नहीं है, पर आता है। आपका जैसे एग्जाम्स है तो सैंपल पेपर आपको 12 बजे आ जाएगा। अच्छा, वो जो पेपर आएगा उससे, यानी वही सेम पेपर नहीं आने वाला एग्जाम है, पर हाँ कुछ क्वेश्चंस मैच कर सकते हैं, तो आप अपना लेवल चेक करने के लिए उस सैंपल पेपर को भी देख सकते हैं। आप उस सैंपल पेपर को देख के जाइए कि अच्छा लेवल कैसा आ रहा है, तो अगर आप उसको सॉल्व कर ले रहे हो और आराम से हो जा रहा है, तो समझो आपका एग्जाम अच्छा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।